So very good afternoon, everyone. Today we are going to discuss your homework which I have given to you today. इसमें मैंने आपको पूरा प्रूफ कराया है इक्वेशन ऑफ मोशन. आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एच. जो तीनों इक्वेशन होते हैं वो बेसिकली फिजिक्स में जो मोशन आप देखते हो आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं ये इतने पावरफुल है कि ये सब उन मोशन को गवर्न करते हैं. जैसे आपको मैं थोड़े से एक बेसिक थोड़ा शुरू कर देता हूँ बेसिक बात. जैसे आपको पता होगा कि मोशन जो है वो टोटल तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा. जहाँ एक बार क्या होगा एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, एक बार क्या होगा आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक बार क्या होगा आपका एक्सेलरेशन वेरी करेगा, वेरिएबल होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन है सर वहाँ वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, और सर जहाँ एक्सेलरेशन नहीं है सर वहाँ परिवर्तन नहीं होगा. इस वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी अभी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है. इसके लिए आप लोगों ने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो आप बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन है दो है चार है पाँच कुछ भी है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो कांस्टेंट है मतलब बदल नहीं रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप लोग तीन इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यूज़ करेंगे. वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. ये तीन इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, इन तीनों को यूज़ नहीं कर सकते. ये आप लोग का बेसिकली 11-12 का सिलेबस में रहता है. जब एक्सेलरेशन वेरी करने लग जाता है, वेरी मतलब अभी दो है कुछ देर बाद चार हो गया, कुछ देर बाद आठ हो गया, यहाँ पे क्या है हर टाइम टू है टू है टू है कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है वेरी कर रहा है. तो इस केस को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. तो अभी हमारे कंसर्न में ये तीनों इक्वेशन को स्टडी करना है, और ये तीनों क्वेश्चन याद रखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सिर्फ तभी लगाएंगे आप इस फॉर्मूले को तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट हो. मतलब यानी कि दो हो तो दो ही रहे, चार हो तो चार ही रहे, पांच हो तो पांच ही रहे, जो भी रहे तो वो फिक्स होना चाहिए. 9-10 के सिलेबस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि इक्वेशन को लगाना नहीं लगाना है. बट फिर भी कहीं मान लीजिए वाई वाई पूछा जाता है कि ये इक्वेशन हर जगह वैलिड है, तो बोलना नहीं सर ये सिर्फ उस केस के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे. यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब हमको बताना चाहिए. v मतलब आपको पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी. क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. a क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन, और t क्या होता है हमारा टाइम, h क्या होता है हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, अब जो भी बोल लीजिए. ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, अगर वो एक डायरेक्शन में मूव करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. तो बाकी टर्म तो रिपीट हो गया. यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी. देखिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कम नहीं होता है, या फाइनल वेलोसिटी मतलब ज़्यादा नहीं होता. इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो पहले है वो इनिशियल है, जो बाद में है वो फाइनल है. वो भले ही बाद वाला कम हो लेकिन चलेगा, लेकिन वो बाद में जो चीज़ आएगी उसी को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं. ये क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में आपको जो तीन तरह के सवाल आते हैं इसके ऊपर आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना रहता है गिवन डाटा लिखना रहता है. गिवन डाटा बहुत ध्यान से लिखिए कि आपको वी दिया है कि यू दिया है कि टी दिया है कि ए दिया है कि एच दिया है, ये पहले लिख लीजिए. फिर क्या निकालना है उस पर फोकस करिए, इन तीनों क्वेश्चन का इस्तेमाल करिए, अपने आप आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा. तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एक बार आपको ये फॉर्मूला तीनों याद हो जाए, आपको कंडीशन याद हो जाए कि कब यूज़ करना है एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तब यूज़ करना है, उसके बाद इनका मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है, एच क्या होता है, वो समझ जाए. उसके बाद तीसरी चीज़ है आपका गिवन डाटा लिखने आपको आ जाए, और बस कैलकुलेशन करना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा. तो आज की क्लास में जो मैं आपको होमवर्क दिया, मैंने आपको बोला है कि आप इन जो प्रूफ्स मैं अभी कराने वाला हूँ उसको मैंने पूरा आपको पीडीएफ में नोट में भेजा भी है, तो आप प्रॉपरली दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ताकि आपको इसके प्रूफ्स रहें. ये प्रूफ 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो बोलती है वी इक्वल्स टू यू प्लस ई टी. अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा एक बहुत बेसिक बातों का इस्तेमाल करेंगे. आपको पता है मैं अगर ऐसे लिखूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो आप लोग हाँ सर यही तो होता है फॉर्मूला सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन. या सर इसको ऐसे लिख सकते हो आप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकते हो इक्वल टू ए हो गया. चेंज का भाई सिंबल ये होता है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम. ठीक, अब सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
वी फाइनल, भाई चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल मैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, और चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, ये होता है चेंज का मतलब, ठीक है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखो नोट करने वाली बात ये है कि हम लोग हमेशा टी इनिशियल को जीरो लेते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ से मोशन को देखना शुरू करते हैं हम लोग टाइम वहीं से पकड़ते हैं कि अब यहीं से टाइम शुरू हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है कि कितना बज रहा है कितना नहीं, ये टी वो नहीं है। आप वो भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो सब आपकी घड़ी में 1:10 हो रहा है और कोई चीज़ 1:30 तक चली, आपसे कोई पूछे कितना, तो आप आराम से इसमें से इसको माइनस कर लोगे, आंसर आएगा 20 मिनट। या फिर आप एक ट्रिक करो कि इसको बोलो कि जहाँ शुरू वहाँ जीरो पकड़ लेते हैं, बाकी कितना दूर जाएगा, यहाँ से 20 मिनट गया तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 20 मिनट आएगा, तो अपने आप सीधे सीधे आ जाता है, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, टी इनिशियल को जीरो लेते हैं, नहीं भी लोगे तब भी आएगा, ले लोगे तो बहुत सिंपली तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने टी इनिशियल जीरो ले लिया, क्योंकि टी इनिशियल जीरो ले रहे हैं कि जहाँ से हम लोग मोशन शुरू करते हैं वहाँ पे हम लोग इसको जीरो पकड़ते हैं। आप नहीं पकड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, पकड़ोगे तब भी कोई दिक्कत है। अब देखो वी एफ फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करते हैं, हम लोग फाइनल वेलोसिटी को सर डिनोट करते हैं हमेशा, फाइनल वेलोसिटी है ये, इसको हम डिनोट करते हैं वी से, और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग इसे डिनोट करते हैं सर इसको यू से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख दिया हमने वी माइनस यू, ये वी मतलब क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, नीचे हो गया हमारा टी, ये टी हमारा टोटल टाइम है कि कितना टाइम लगा, क्योंकि देखो टी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल निकलते हैं तो ये भी टाइम निकालता है कितना टाइम लगा, और सीधे लिख रहे हैं मतलब हमने बगल में क्या माना होगा, जीरो माना होगा, तब भी ये टाइम ही आएगा, इस वाले चीज़ को देख लेना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब ये हो गया इज इक्वल टू ए, अब अगर ध्यान से देखो ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, ए इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, अगर u को तुम इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस ये पूरा जब u इधर ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस u हो जाएगा, तो प्लस u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, यही फॉर्मूला लाना था क्या हमको, देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आ गया, प्रूफ हो गया। बस इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट, ये होना चाहिए, कंडीशन हमारी इसके लिए हो गई। तो ये प्रूफ आपके दिमाग में बैठा। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रूफ है, दूसरा जो इक्वेशन है, इस पर आते हैं, इस पर मैंने एक सवाल भी दिया है, आप जब नोट्स देखोगे उसमें मैंने एक सवाल भी कराया है, इसके बाद आप लोग किताब के हर एक सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं इस प्रूफ के बाद, आपको सब सवाल आराम से बन जाएंगे, जो नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या फिर टेक्स्ट करके, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रूफ है, दूसरे प्रूफ में क्या है हम लोग यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं कि सर देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर। मैंने कहा यार ये पढ़े हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है एवरेज निकालने का, वो होता है जो फाइनल वैल्यू है वो ले लो, जो इनिशियल वैल्यू है वो ले लो, दोनों को जोड़ दो बटा दो कर दो, मतलब फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू, ये भी एक रास्ता होता है, मतलब ये भी एक रास्ता होता है, एक रास्ता ये भी होता है, दोनों रास्ते में से लोग किसी भी रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देखो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सी, ये होना चाहिए, ये मैथ्स का लॉ है। ऐसे यहाँ पे भी अगर एवरेज वेलोसिटी को सर हम ये लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं, तो मतलब इसको ये लिख सकते हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने सॉल्व उठाया लिखा कि v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा h, डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस कैसे बोल देते हैं, टाइम को हमने बोल दिया t। अब देखो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी तुमको v नज़र नहीं आएगा, और हमारी इस वाली चीज़ में कहीं हमको a नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमको v को गायब करना है और a को लाना है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने कहा सर ठीक है काम करिए, v को गायब करने का तरीका क्या है, आप v की जगह पर सर लिख दीजिए u प्लस एटी, मैंने बोला ऐसे क्यों लिखते हैं आप, यू प्लस एटी प्लस यहाँ पे सर u अपॉन टू, ये सर आपका v की जगह आपने पूरा लिख दिया इज इक्वल टू एच बाई टी। मैंने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उसने बोला सर देखिए सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता सर, मतलब b बराबर ये इतना लिखा जा सकता है सर, मैंने v की जगह पे ये लिख दिया बराबर, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्या हो जाएगा, यू प्लस यू कितना हो जाएगा, यू प्लस यू टू यू प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एच अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर इधर, क्या हो जाएगा ये 2 यू टी प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एच आ गया। अब दोनों साइड में 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, हर तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2, ये जाएगा तुम्हारा ये 2 है भाई, यू टी
ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एच। यही प्रूफ करना था क्या हमें, जरा देखो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एक बार ध्यान रखिएगा फिर से कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमारा एक्सेलरेशन जो होगा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये हो गया ठीक है। अब तीसरा प्रूफ देखो, तीसरा प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, मतलब बस कैलकुलेशन करनी है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन नंबर वन लिखनी है, क्या थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो आप ऊपर वाला चीज़ प्रूफ करना है, उसमें क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आप लोग सर टाइम नज़र नहीं आ रहा, सर टाइम इसमें कहीं भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं टाइम गायब कर देते हैं। टाइम को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक क्वेश्चन टाइम के लिए निकालनी पड़ेगी, दूसरे क्वेश्चन में डाल देनी पड़ेगी। बोलो ये करेंगे, मैंने कहा ठीक है सर टाइम के लिए हम सर इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करके निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा निकालो, यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी माइनस यू इक्वल टू क्या जाएगा ए टी, और ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। मतलब टी की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी आ गई ठीक है। अब इस टी की वैल्यू को उठा करके हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में डाल देंगे, कि हम लोग को टी को गायब करना है, हमने वहाँ से टी की वैल्यू निकाली यहाँ टी की डाल दी, दोनों इक्वेशन सही है। तो क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू, जरा ध्यान देखना यू और टी की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, टी की हमको टी की वैल्यू गायब करनी है तो क्या डाल देंगे इन टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये टी की वैल्यू हो गई, प्लस हाफ ए और फिर से टी की जगह पर क्या आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एच इंटू यू, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ये क्या जाएगा हाफ ए नीचे का स्क्वायर एक, देखो एक का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और वी माइनस यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी एच हो गया। अब क्या करेंगे, ये ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बेसिकली देखा तो एक ही ए बचा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे वन अपॉन टू ए है यहाँ पे वन अपॉन ए है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा टू ए हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू, ये यू वी का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा टू यू वी ठीक है टू यू वी आ गया ये। अब देखो प्लस टू यू वी माइनस टू यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर एक टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। सॉल्व करके देखना इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा टू ए एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये यू है यू स्क्वायर प्लस टू ए एच ठीक है। आगे हमारा जो हमें प्रूफ करना था, यहाँ भी कंडीशन क्या है एक्सेलरेशन जो रहेगा आपका कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये तीनों इक्वेशंस हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तीनों का प्रूफ मैंने आपके सामने दिया है, काफ़ी इजी है, इस पर मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है, इसको आप दो तीन बार चार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए। इक्वेशन याद कर लीजिएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस पर मैंने तीन सवाल भी दिए और आप भी खूब सवाल बनाइए, मैं अभी जो आने वाले होमवर्क्स हैं उसमें इस पर खूब सारे सवाल बेस करके दूंगा आपको, ताकि आपको इसको लगाने में दिक्कत ना हो। इसके कुछ ग्राफ वाले प्रॉब्लम रह जाते हैं, वो भी जब क्लास में हो जाएगा तो उस पर भी कुछ मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा ठीक है। थैंक यू।